क्या हुआ? योगी का यूपी को शिमला बनाने का वादा। यूपी में शिमला की ठंडी तो नहीं आई, घरों की एसी जरूर बंद हो गई। आखिर चल चलाती गर्मी और कम विद्युत आपूर्ति से कैसे निपटेगी योगी सरकार? कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। क्या हुआ तेरा वादा? यूपी को शिमला बनाने का था इरादा। यूपी की भोली भाली जनता बांस के बने पंखे यानी कि बेना को झेलते हुए पसीने से सराबोर होकर यह गाना गुनगुनाते हुए आपको नजर आ जाएगी। हालांकि यूपी को शिमला बनाने का वादा दूसरे परिप्रेक्ष्य में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। लेकिन मौजूदा समय में यूपी में चिलचिलाती गर्मी अपने पूरे चरम पर है और ऐसे में बिजली की कटौती भी पूरे परम पर है, तो सूबे के मुखिया जी से लोग कहने लगे हैं कि यूपी को शिमला कभी बाद में बनाइएगा, पहले घर का एसी फैन कूलर चलवा दीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक परेशानी हो रही है। ऐसे में यूपी के गांवों में मात्र 12 घंटे से भी कम बिजली की आपूर्ति की जा रही है। यूपी के बिजली मंत्री ने आपूर्ति में सुधार का भले ही भरोसा दिलाया है, लेकिन यह सुधार कब तक होगा ये कहना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों की बिजली के संकट का सामना बहुत ही ज्यादा करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़े शहरों की स्थिति तो कमोबेश ठीक है, ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यूपी के गांव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का वादा किया जाता रहा है, लेकिन अभी 12 घंटे से भी कम की बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी दिन में महज 11 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही इस मामले में समाधान निकालने का भरोसा जताया है। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बातें की हैं। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने का भरोसा दिलाया है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि बिजली आपूर्ति बढ़ाने में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को अतिरिक्त बिजली मिलनी शुरू हो गई है, जिससे स्थिति और बेहतर हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले का संकट दूर करने के लिए अनपरा पावर प्लांट की इकाइयों के लिए 10 लाख टन कोयले फील्ड की खदानों के लिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रेलवे के रैक के जल्दी खाली हो जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए विद्युत संयंत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रविवार को ऊर्जा मंत्री ने जालौन जिले के 33 केवीए के 2 विद्युत उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। रविवार को पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज ने भी अधिकारियों के साथ शक्ति भवन में विद्युत आपूर्ति की समीक्षाएं की। ने कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए BCCL के MD से बात की। चेयरमैन ने कहा कि जो पावर प्लांट बंद है उन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। पावर प्लांट में इस समय कोयले की स्थिति जो है वो हम आपको बता देते हैं। प्रदेश में पावर प्लांट की वास्तविक स्थिति है जो उसको हम आपको बता देते हैं। अनपरा पावर प्लांट में अभी कोयले की उपलब्धता 25,800 टन है और जरूरत है 40,000 टन की। ओबरा में 7800 टन इस समय कोयले की उपलब्धता है, जहां पर 12,500 टन की जरूरत है। वहीं हरदुआ गंज में 11,400 टन इस समय कोयले की उपलब्धता है, वहां पर जरूरत 19,000 टन की है। वहीं पारीछा में 18,500 टन इस समय कोयला मौजूद है और 15,500 टन की अभी जरूरत है। गांव में इस समय 11 घंटे बिजली मिल रही है। वादे किए गए थे कि 18 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं तहसील में 16 घंटे 29 मिनट बिजली मिल रही है, वहीं पर 21 घंटे 30 मिनट बिजली मिलनी चाहिए। नगर पंचायत की अगर बात करें तो वहां पर 16 घंटे 53 मिनट बिजली अभी मिल रही है, जिन्हें 21 घंटे 30 मिनट बिजली मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कटौती के मामले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर अब बड़े स्तर पर कार्य करने की बात कही जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद पर्वों के मौके पर बिजली आपूर्ति के बहाल रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती के बाद जनप्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ रहा है।
पिछले दिनों भाजपा विधायकों को जनता को पत्र लिखकर इस समस्या के लिए माफी मांगने का भी मामला सामने आ चुका है। ऐसे में अचानक कोयले की इतनी कमी बिजली की कटौती की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ निपटने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। योगी सरकार पारंपरिक विद्युत उत्पादन के अलावा उत्पादन के नए विकल्पों पर भी जोर देने पर विचार कर रही है। संवाददाता टीवी के लिए अर्जुन वेदांत की रिपोर्ट।